हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किया की EV6 के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर अभी टेस्टिंग मोड पर चल रही है। अब इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, GT लाइन और GT। जो अभी आप वेरिएंट देख रहे हैं दिस इज़ GT ओनली, जो बेस मॉडल आता है, मतलब 4x2 मॉडल, ठीक है, सिंपल मॉडल जो कि राइवल होने वाला है। राइवल होएगा ZS EV और Hyundai की कोना। मॉडल देखने में बहुत ही अमेजिंग है, प्रीमियम है, शार्प है, और मतलब इसका इंटीरियर एक्सटीरियर की मैं बात करूँ बहुत ही क्लासी है। अभी एक प्रॉब्लम है जो कि किया का इंफ्रा, मतलब रिलेटेड टू चार्जिंग स्टेशंस अभी प्रॉपर नहीं है, तो उसी की तैयारी अभी किया करने की शुरू कर रहा है, ठीक है। और हालांकि अभी उसने स्टार्ट कर दिया है सारी चीज़ें। और अगर मैं बैटरी सिस्टम की बात करूँ तो GT लाइन जो आता है अब्रॉड में, उसमें 78.1 kW की बैटरी आती है, और अगर मैं GT की बात करूँ तो उसके अंदर 58 kW की बैटरी आती है, जो इंडिया के अंदर टेस्टिंग चल रही है। टोटल रेंज क्या रहती है 58 kW की, वो तकरीबन 392-528 किलोमीटर की आपको टोटल रेंज मिल जाती है। ये नया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है किया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर के फीचर्स के बारे में, तो मतलब इससे ज़्यादा फीचर्स अभी तक इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर इंडिया के अंदर नहीं होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। मैं शर्त लगा सकता हूँ, बिकॉज इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो इंडस्ट्री फर्स्ट आने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ अलॉय व्हील्स की, तो आप देखें क्या शार्प लुक इसमें दिया गया है। चाहे मैं फ्रंट गाइडलाइंस की बात करूँ, साइड में बात करूँ, जो आपके डोर हैंडल्स मिल रहे हैं वो बॉडी के अंदर ही हैं। इसके बाद में अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको रियर ट्रेल लाइट जो मिल रही है वो बहुत ही क्लासी और प्रीमियम मिल रही है। देखने पे गाड़ी सेडान लगती है, मतलब थोड़ी सी दूर से देखें तो कूपे टाइप का जो लुक है वो मिलता है इसके अंदर, बट लेकिन ये ना तो सेडान है, ना ही ये प्रॉपर SUV है, ना ही ये हैचबैक है, तो मतलब ये क्रॉस ओवर लुक आपको गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। और ओवरऑल लेंथ की मैं बात करूँ तो ये भी सेगमेंट की सबसे बड़ी लेंथ है, 4695 के नियर अराउंड आपकी लेंथ मिलेगी। और जो व्हील बेस होने वाला है वो आपका 2900 का आपका व्हील बेस होने वाला है, तो मतलब व्हील बेस भी बहुत लंबा है, मतलब गाड़ी के अंदर स्पेस आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, कहने का मतलब ये है। दूसरा, अगर मैं गाड़ी के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ इंडिया के अंदर इसकी तकरीबन कॉस्ट 37 लाख रुपीज़ के, मैं एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ, बिकॉज जर्मनी में जो उसका प्राइस है वो 57,000 यूरो के नियर अराउंड है, तो कन्वर्ट करते हैं अगर INR में तो 37 लाख रुपीज़ बनता है। हालांकि ये प्राइस बहुत ही ओवर है इस सेगमेंट पे और इस मॉडल पे, बिकॉज इतने पे तो आपको फिर 7 सीटर का आपको BYD मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, दो स्क्रीन आपको सिस्टम मिलती हैं, तो वो 12.3 इंचज़ की आपको दो स्क्रीन सिस्टम मिल जाते हैं। सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं स्क्रीन सिस्टम में, बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरफेस के तौर पर, जिसमें इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स मोड, स्नो मोड, मड मोड, तरह तरह के मोड्स आपको मिल जाते हैं। यहीं से आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेफ्टी पॉइंट से सारे फीचर्स मिल जाते हैं, विद 360 डिग्री कैमरा, और आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का रनिंग कैमरा भी आपको मिल जाता है आपका MID के ऊपर। तो यहाँ आपके छोटे से कंट्रोल्स हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 360 डिग्री कैमरे के सारे ऑप्शंस हैं, आप व्यूज में से ले सकते हैं, बर्ड आई व्यू, तरह तरह के सेटिंग्स इसके अंदर हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी है तो फीचर्स भी कुछ ऊपर नीचे होंगे ही, बिकॉज अब्रॉड में जो फीचर आते हैं वो यहाँ यूज़ नहीं होएगा, जैसे कि ADAS सिस्टम इंडिया के अंदर ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इस सेगमेंट पर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज, तो हो सकता है ADAS सिस्टम ना दें। और ज़रूरत इन द सेंस कि अगर आप नोएडा दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ क्या ही ADAS सिस्टम यूज़ करोगे आप अपना, ठीक है। तो ये था कुछ रिव्यू अबाउट इसके बारे में, ठीक है। अभी और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सो इंटीरियर के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बड़ा क्लीन, शार्प सा, बड़ा स्टाइलिश आपको सेंटर कंसोल मिल रहा है, जिसमें पार्किंग के स्विच आपको मिल रहे हैं, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ऑटो होल्ड, और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल रहा है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, कप होल्डर्स मिल जाएगा, एंड 100+ आपको इसके अंदर ना इल्यूमिनेशन लाइट्स, जो मल्टी कलर्स आप इल्यूमिनेशन लाइट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे सारे स्विचेस मिल रहे हैं, टच इंटरफेस में आपको मिल रहा है, एंड यहाँ से अपना पूरा 100+ कलर जो है इल्यूमिनेशन एम्बिएंट लाइट के वो आप चेंज कर सकते हो, जो कि लेग रूम लैंप पे रहेंगे आपके, और साइड में डोर पैनल्स में रहेंगे, कप होल्डर्स में रहेंगे, सीट्स के साइड में रहेंगे, और रूफ पे भी रहेगा। तो ये सारे यहाँ से आप इल्यूमिनेशन अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं, और जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव मोड आपको देगा। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, लैपटॉप का भी एक चार्जर स्विच आपको मिल जाएगा। ओवरऑल लेंथ की जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 4695 mm की आपको लेंथ मिल रही है, एंड हाइट जो है इसकी अप्रॉक्स 1.5 है, एंड 2900 mm का आपको पूरा व्हील बेस मिल रहा है, तो काफ़ी लंबी हाइट होने वाली है, मतलब लेंथ होने वाली है, और हाइट भी काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी फील कराएगी। फ्रंट लुक बड़ा अग्रेसिव है, रेयर प्रोफाइल सो ऑल्सो अग्रेसिव, गाड़ी देखने में बहुत ही प्रिटी है, प्रीमियम है। आप इसकी लॉन्चिंग डेट का वेट करेंगे, क्योंकि राइवल जो है इसके ZS EV ऑलरेडी मार्केट के अंदर सबकी
फेवरेट है बिकॉज उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सेगमेंट में नहीं थी, बट अब किया लेके आ रहा है उससे भी ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक, तो अब कंपटीशन तो है मार्केट के अंदर। लॉन्च देखते हैं कब तक लॉन्च होती है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में लॉन्च कर दें इसको ये, और इससे पहले टीज़र कर दें लॉन्च, तो देखना ये रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।